الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلالي ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله شديد العقاب صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات حسب عادت سب سے پہلے ہم دعا گو ہے کہ خلاق عالم بطفیل ذکر محمد و آل محمد ہمارے ملک پاکستان کو تمام عالم اسلام کو اور تمام دنیا انسانیت کو کرونا کی وبا سے امان عطا فرمائے اسی طرح خلاق عالم ہمارے پاکستان کو تمام تر داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو دنیا بھر کے صاحبان اسلام کو
हालांकि आलम ताऊती कुव्वतों की शर्त से महफूज रखे। इसी तरह दुआ करें कि खल्लाक़े आलम बज़िक्र बतुफ़ैल मोहम्मद व आल मोहम्मद, ये जितने अय्याम मुहर्रम हैं, जिस कदर कोशिश हमारी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें, बाकी इदारे और बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमारी आर्मी ने पाकिस्तान में अमन व आमा को दोबारा क़ियाम का रंग बख्शा है, अल्लाह करे इन दिनों में और तमाम अय्याम में इसी तरह ये अमन व अमान कायम व दायम रहे। बाबा दे बुलंद सलावात, सब तक ठीक ठाक हो। साहिबान इल्म, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता तकरीर इस आयत पर जाकर रोक दी गई थी कि शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये अकीदा बितौहीद रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि अल्लाह मुतलकन ज़ातन यानी बिज़ात नासिर व नसीर और मददगार है, इसे कोई इनकार नहीं है। लेकिन कलाम मुकद्दसा के आयात मुबारका की तफसीर के साए में रसूल पाक की अहदीस की रोशनी में और आइम्मा अलैहिस्सलाम के अक्वाल के तहत जहाँ ये साबित होता है कि मुतलकन नासिर व नसीर अल्लाह है, वहाँ ये भी वाज़े है कि जिसे अल्लाह ने अपनी सिफात का मजहर बना दिया है वो इलाही मशीयत के साए में इज़्ने इलाही के तहत कल भी मददगार था और आज भी मददगार है। यार इसी सिलसिले में जो कल मैंने तसलसल आयात कायम किया था, उसी सिलसिले में आज मैं सबसे पहले सूरह अस-सफ की इस आयत की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमन कूनू अंसारल्लाह कमा काला ईसब्न मरियमा लिल हवारीजीना मन अंसारी इलल्लाह कालल हवारीयूना नहनो अंसारुल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ साहिबाने ईमान, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। तवज्जो फरमाई साहिबान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी जो ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की जात के अलावा किसी और को मदद के लिए बुलाना या किसी और से मदद मांगना जब कुरान इजाज़त ही नहीं देता, तो फिर मददगार किसी और को कैसे तस्लीम किया जा सकता है। तो मैं दलाइल में ये आयत पढ़ रहा हूँ बाकी आयत के अलावा कि ऐ साहिबाने ईमान कूनू अंसारल्लाह, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। या अल्लाह, हम हकीर हम फकीर हम लाशै, तुझ कादर व कदीर के कैसे मददगार बन सकते हैं। जो तेरी जात हमें हुक्म दे रही है कि मेरे मददगार बन जाओ, आगे अल्लाह मिसाल के जरिए से
इसे हम पे आसान फरमा रहा है समझाने के लिए कि तुम इस तरह मददगार बन जाओ, कमा काला ईसब्नु मरियमा लिल हवारी जीना मन अंसारी इलल्लाह, जैसे ईसा बिन मरियम ने अपने हवारियों से अपने सहाबियों से कहा था कि तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की रिजा की खातिर मेरी मदद करे, खुदा की रिजा के हुसूल के लिए जो मेरी इमदाद करे, जो मेरी मदद करे। कालल हवारियूना, तो उसके सहाबियों ने हवारियों ने ईसा को जवाब देते हुए कहा, नहनो अंसारुल्लाह, ए ईसा हम अल्लाह के मददगार हैं। दरूद पढ़िएगा सलावत। कब जनाब ईसा ने हवारियों से कहा था कि तुम अल्लाह के मददगार बनो, मन अंसारी इलल्लाह, तुम में से कौन है ऐसा जो अल्लाह की रिजा के लिए मेरी मदद करे, मेरा मददगार बने। तो हवारियों को क्या कहना चाहिए था, नहनु अंसारु, के ईसा हम तेरे मददगार हैं। लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। हजरत ईसा ने भी उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं कि तुम ये क्या कह रहे हो, हम अल्लाह के मददगार हैं। तो उनका ये कहना कि हम अल्लाह के मददगार हैं और हजरत ईसा उनका का उनको न रोकना और टोकना, इस बात की दलील बन गया कि जो भी अपने जमाने के नबी का मददगार होता है, उनका ये जवाब देना इस बात की दलील बन गया कि जो भी अपने दौर के अपने जमाने के नबी का मददगार होता है वो सिर्फ नबी का मददगार नहीं होता बल्कि वो अल्लाह का मददगार होता है। तो अब ये एक कुल्लिया हमारे सामने आ गया कि जो भी अपने जमाने के नबी का मददगार होगा वो हकीकतन अल्लाह का मददगार होगा। अब ये है एक मुकद्दमा। एक और मुकद्दमे की आयत है, वो भी मैं पढ़ता चलूं। वो क्या है, अल्लाह सूरा अल-काहफ में इरशाद फरमा रहा है, वमा कुंतो मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना आज़ुदा, मैं अल्लाह किसी गुमराह को, किसी भटके हुए को, किसी बेदीन को अपना मददगार नहीं बनाता। वाह, सलामत रहे, आबाद रहे। मैं अल्लाह किसी गुमराह को, भटके हुए को अपना मददगार नहीं बनाता। अब दो मुकदमे हैं। पहला मुकदमा क्या है, इसे हम सुगरा कुबरा इस तरह कहते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो पहला मुकदमा क्या है कि जो अपने जमाने के नबी का मददगार है वो अल्लाह का मददगार है। और दूसरा मुकदमा क्या है कि अल्लाह फरमाता है, मैं किसी गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता। तो अब नतीजा क्या निकला कि जो अपने जमाने के नबी का मददगार होगा पूरी कायनात इंसानियत मिलकर उसे काफिर कहे, मानना पड़ेगा वो काफिर नहीं है। शुक्रिया अरे यार, पहले बताया था, अब पूरा आप समझते हैं कितनी लंबी शहादत है। अच्छा वो ठीक है, दरूद पढ़िएगा सलावा। बाद दीगर
अंतर तो जब ये साबित हो गया कुरान से कि जो भी अपने जमाने के नबी का मददगार है वो कभी गुमराह हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अल्लाह का मददगार है। तो अब हम आते हैं मुकम्मल साहिबान इस्लाम के सामने इस हकीकत को पेश करते हुए कि दावत जुल अशीरा के बाद जो जो मसाइब के पहाड़ मुशरिकीन मक्का ने रसूल पर तोड़े उन तमाम पहाड़ों के सामने खड़े होकर अगर मोहब्बत का कोई मुहाफिज बना अल्लाह अल्लाह अगर कोई शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर रसूल की मुहाफजत में खड़ा हुआ तो वो कौन है? मानना पड़ेगा कि वो अली का बाप। हत्ता के हम देखते हैं कि शाबे अबी तालिब में 3 साल बराबर जो मुहासरा कायम रहा और जिस तरह सोशल बाइकॉट से काम लिया गया तो जनाब अबू तालिब का हक के मुस्तफा में बाएतबार नुसरत कदम क्या था कि रात की तारीकी में जनाब अबू तालिब रसूल पाक को उठाकर अली के बिस्तर पर सुलाते और अली को उनके बिस्तर से उठाकर नबी के बिस्तर पर सुलाते। क्यों? कि अगर काफिर रात को हमला करें तो मेरा बेटा काम आ जाए। लेकिन अल्लाह की अता करदा अमानत में फर्क ना आने पाए तो इन रातों में जनाब अबू तालिब हजरत रसूल पाक के बिस्तर के गिरदा गिर्द खड़े होकर फिर बदी अशार पढ़ते रहे। दीवाने अबी तालिब ये नाम है आपके अशार के मजमुए का, उसमें जो आप वो नज़में पढ़ते रहे हैं उन 3 सालों में मैं उसके 3 शेर अर्ज कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में उरिया तलवार लेकर रसूल के सर का पहरा देते हुए शेराना अंदाज में गरज कर अबू तालिब कह रहे हैं नसरतुर रसूला रसूल अल मलीके में बीजन तलालाओ कलब अल बरूके अजुब्बो व आहमी रसूल अल इलाह हिमायत हान अलैह शफीके वलाकिन अजरो बिलहम बेल लैसा बिगैल मजीके नसरतुर रसूला लोगो मैं अपने भतीजे की मदद नहीं कर रहा। दरूद पढ़िएगा सलावा। नसरतुर रसूल रसूल अल मलीके बेबीजन तलालाओ कलम अल बुरूके लोगो मैं अपने भतीजे की मदद नहीं कर रहा, मैं अपने भाई के बेटे की मदद नहीं कर रहा, बल्कि मैं किसकी मदद कर रहा हूं? नसरतुर रसूला। वासा वा, यहां फिर मैं चुप कर गया। नसरतुर रसूला, मैंने मदद की है रसूल की। अगर इसका नाम इस्लाम नहीं है तो फिर इस्लाम किसका नाम? नसरतुर रसूल रसूल अल मलीक जो उसका भेजा हुआ रसूल है जो हर जर्राए कायनात का मालिक है। नसरतुर रसूल रसूल अल मलीक बेबीजन तलालाओ कलम गुरु के अजुब्बो व आहमी रसूल अल इलाह हिमायत हानन अलैह शफी के ये देखो मेरे हाथ में बिजलियों की तरह चमकती हुई जो सफेद तलवारें हैं ये मोहब्बत की हिफाजत के लिए। सलामती हो तो ये जनाबे अबू तालिब का
वो नुसरत भरा किरदार है जिसके तरफ जिसके लिए अल्लामा इब्ने अबिल हदीद को अपनी शरा नहजुल बलागा में ये लिखना पड़ा, जो हमारे बड़े भाइयों के बहुत बड़े अल्लामा हैं वो ये लिख कर गए हैं कि बलाला अबू तालिबेन वबनहू लमा मसलत दीनो शख्सन वकामा, अगर अबू तालिब और अबू तालिब का बेटा अली ना होते तो इस्लाम अपने कदमों पर खड़ा हुआ नजर ना आता। सीरत इब्न हिशाम से ये शेर पढ़ रहा हूं, वलन यसलू इलैका बिजमहिम हत्ता वसदा फितुराब दफीना, बेटा मोहम्मद अगर सारे अरब के काफिर जमा होकर तुझे अपने घेरे में ले लें, जब तक अबू तालिब जमीन में दफन नहीं हो जाएगा कोई तेरा एक बाल भी भीगा नहीं कर सकता। दरूद पढ़िएगा सलावा। तो अब मैं इसी सिलसिले को जो लेके चल रहा हूं इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आयात ही के पेश नजर जहनों में रहे कि जिसे अल्लाह ने अपनी मशीयत के साए में इज़्ने नुसरत अता कर दिया है वो नासिर और मददगार है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 4 है, फइन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलो وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, सुनो मेरा मोहम्मद अकेला नहीं है, मेरा मोहम्मद तन्हा नहीं है, बल्कि मेरे मोहम्मद का एक मददगार अल्लाह है और दूसरा मददगार जिब्राइल है, तीसरा मददगार सालिहुल मोमिनीन है और बाकी मलाइका सफ दर सफ उसके मददगार हैं। अब अल्लाह भी रसूल का मददगार, जिब्राइल भी रसूल का मददगार, सालेहुल मोमिनीन भी रसूल का मददगार, फरिश्ते भी रसूल के मददगार, कहां कहां इनकार करोगे। अब यहां अल्लाह वाज़े है, अल्लाह के मुतल्लिक तो इबहाम नहीं है ना, अल्लाह वाज़े है, जिब्राइल भी वाजे है रोशन है, मलाइका पर भी किसी किस्म का शक नहीं हो सकता कि कौन है कौन नहीं है, ये सारे वाजे हैं कि ये रसूल के मददगार हैं। लेकिन आयत में है सालेहुल मोमिनीन, इनके साथ साथ सालेहुल मोमिनीन भी रसूल का मददगार है। तो अब ये सालेहुल मोमिनीन कौन है, ताकि पता चले कि ये रसूल का मददगार जो सालेहुल मोमिनीन है ये कौन है। अब मैं हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है तफसीर दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 244,
सत्र नंबर 6 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रहा हूं। इब्ने मरद वह ने जनाब इब्ने असाकिर से ये बयान किया है कि वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जब ये पूछा गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि अल्लाह तो जाहिर है, जिब्राइल भी छुपा हुआ नहीं है, मलाइका के मुतल्लिक भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सालेहुल मोमिनीन कहां से आ गया? तो ये सालेहुल मोमिनीन कौन है जो हमारे रसूल का मददगार है? ये है मेरे हाथ में फोटोकॉपी। उन्होंने आवाज देकर कहा कि ये सालेहुल मोमिनीन कोई गैर नहीं है, हुवा अली इब्न अबी तालिब। इस जरूर पढ़िएगा सलावा। इससे मुराद अली इब्ने अबी तालिब है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जहां जहां मेरी तकरीर सुनी जा रही है, मैं ये अर्ज करने का हक रखता हूं कि जब इज़्ने इलाहिया के साए में अली रसूल का मददगार हो सकता है। अब अगला फिक्रा मैंने नहीं देना था, वो आपकी खामोशी ने देना था कि जब मशीयत इलाही के साए में अली रसूल की मदद कर रहा है तो फिर हम रसूल के उम्मतियों का अली को मदद के लिए पुकारना ये कल भी रसूल की सुन्नत थी और आज भी रसूल की। सुभान अल्लाह। अब मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ रहा हूं जो आपको याद है। ये सूरह नंबर 57 की आयत है, आयत नंबर है 25 अल हदीद की। वअंज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीदुन व मुनाफिउ लिन्नास वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलगैब। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है हमने लोहा नाजिल किया, और लोहे के नाजिल करने का मकसद क्या है? फी है बासुन शदीद, इसमें जबरदस्त कुव्वत और ताकत है जो कि नाकाबिले शिकस्त है। नंबर 1। नंबर 2, वह मुनाफे हो लिन्नास, ये लोहा वो लोहा है जो लोगों के लिए नफा का खजाना है, इसमें लोगों के लिए नफा ही नफा है। और ये नाजिल क्यों किया? बल यालम अल्लाह, ताकि अल्लाह इस लोहे को नाजिल करने के बाद ये जान ले कि मैं यंसुरुहू, कि कौन इस लोहे के जरिए से अल्लाह की मदद करता है। साहब जी, इस तरह देखे जिस अंदाज में मैं दे रहा हूं उसी तरह आपको मेरा साथ देना चाहिए। मैं यंसुरुहू, ताकि अल्लाह देखे इस लोहे के जरिए से कौन अल्लाह की मदद करता है। वरुसुलहू, और कौन अल्लाह के रसूलों की मदद करता है, रसूल की नहीं। मेरे मोहतरम मुकर्रम सामईन, आयत में रसूल नहीं है, वाहिद नहीं है, आयत में जमा है, रसूल है, कि कौन अल्लाह की मदद करता है और अल्लाह के रसूलों की बिल गैब, गैब की हालत में मदद करता है। तो अब देखना पड़ेगा, जो अंबिया का मददगार हो सकता है वो हमारा मददगार कैसे नहीं हो सकता। सलामती हो। अब हमने देखना यह है कि यह नाजिल होने वाला लोहा कौन सा लोहा है, और यह कब नाजिल हुआ,
और किसने इस लोहे को हाथ में लेकर अपनी शजात का लोहा मनवाया। चूंकि दामन वक्त में इतनी फुसत नहीं होती, इसीलिए मुझे हवाला दर हवाला देकर आगे बढ़ना पड़ता है अपने इस अजीम इल्म मार्फत वाले इज्तमा में। मैं हवाला दे रहा हूं, पहली किताब का नाम है मदारिजुन्नबुव्वा, जिल्द नंबर 2, सफर नंबर 122, हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तरतीब शुदा, मतबुआ सक्खर, पाकिस्तान, फारसी में। उर्दू में इसका तर्जमा शाया हो चुका है, लेकिन मैं असल किताब से इबारत पढ़ रहा हूं। यह है एक किताब। दूसरी किताब का नाम है मआरिजुन्नबुव्वा। अभी मैं मदारिजुन्नबुव्वा की इबारत पढ़ रहा हूं, इसके बाद अगर मेरे दामन में वक्त रह गया तो फिर मैं मआरिजुन्नबुव्वा की तरफ आगे बढ़ूंगा। इस किताब में यह दर्ज है हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते हैं कि बंदे मिस्कीन हस्सहुल्लाह बे मजीद यकीन के जाहिरन किस्से नादे अलीयन मजहर लाजाइब, के जाहिरन किस्से नादे अलीयन मजहर अजाइब हम दरी मुआमला व मुआरका वाके शुदा अस्त, के जंग उहद में जब कुफारे मक्का ने रसूल को घेरे में ले लिया और हयात शम नबूवत को बुरा गोल करने का इरादा कर लिया, तो मुझ बंदे मिस्कीन को यकीन है कि अब अल्लाह ने अपने हबीब से कहा नाद पुकार अली यद। किस्से नादे अली मजहर अल अजाइब, तो अब रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अली को बुला, अली को आवाज दे। किस अली को आवाज दे? मजहर अल अजाइब वल गराइब, जिससे हर वक्त अजाइब व गराइब उम्मूर जाहिर होते रहते हैं। कभी सूरज पलटा के दिखाता है, कभी असहाब काफ से गुफ्तगू फरमाता है, कभी मदीने से मदायन जाकर सलमान की नमाज जनाजा पढ़ाता है, कभी पांव की ठोकर से शाम बन्नू को जिंदा करके दिखाता है। अली को बोला। अब आगे क्या है मैं यहां रुकता नहीं, क्योंकि उहद के मुतल्लिक कल मैं अर्ज कर चुका था वो ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फिकार वाली सारी इबारत मैं कल पढ़ चुका हूं। अब मैं फिर आगे पढ़ता हूं, वले यालम अल्लाह मन यंसुरुहु, ताकि अल्लाह ये जान ले कि कौन इस लोहे के जरिए से अल्लाह की मदद करता है। तो फिर अल्लाह की मदद क्या होगी? वासा मैं आहाद में पढ़ चुका हूं, फिर भी आप तो कर गए। अल्लाह की मदद बाबा क्या होगी? नबी की मदद करना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने जमाने के नबी की मदद करना, ये हकीकतन अल्लाह की मदद करना है। तो आओ शबे हिजरत से लेकर रसूल के विसाल तक तारीख के वर्क उलटते जाओ कि मोहम्मद का मददगार बन के कौन रहा। मिलकर 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 अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
किसी मुजाहिदे इस्लाम की नुसरत और यारी का मुनकर नहीं हूँ। जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे शम्मे नबूवत के परवाने थे, निज़ाम मुस्तफ़ा के दीवाने थे, सर हथेलियों पर रख कर वो मददगार बनकर रहे, लेकिन अल्लाह ने जिसे मददगार बनवाया कि अल्लाह ये जान ले कि उसके रसूल का उसका मददगार अल्लाह का कौन है। फिर आगे क्या है, वर्रोसो लाहू बिल गैब, और गैब की सूरत में अल्लाह के रसूलों का मददगार कौन है। अब यहां पर काफी मेरे सामने, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन हो सकता है घबरा जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं हवाले के बगैर बात नहीं करता। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसलक के कुतुब की और बाकी कुतुब इस्लामिया की एक मुकम्मल तौर पर खजाने की सूरत मौजूद है, लिहाजा रजू किया जा सकता है। मैं किताब का हवाला दे रहा हूं कि यहां कौन है जिसने तमाम रसूलों की आलम गैब के एतबार से मदद की, ये मेरे पास हवाला है। पहला है अनवारुन नुमानिया जिल्द नंबर 1, दूसरा हवाला है अल मिसबाहुल हिदाया हजरत आयतुल्लाह खुमैनी की, ये किताब है। इसके आखिरी सफ़े के टाइटल पर हजरत अली का ये फरमान है कि लोगों नसरतुल अंबिया असरन व नसरतु मुहम्मदन जहरन, मैंने हर नबी की मदद की पोशीदा रहना। हाय हाय अल्लाह अकबर, मैंने हर नबी की मदद की पोशीदा रहकर गैब रहकर, लेकिन अपने नबी की मैंने मदद की जाहिर बजाहिर होकर। तो अब मैं अपने मजमे से यह कहने का हक रखता हूं कि जो अली आने से पहले अंबिया का मददगार हो सकता है, जियो जो अली इस आलम में आने से पहले अंबिया का मददगार हो सकता है, अगर आज हम कहें या अली मदद। अब यहां तक मैं आपको ले आया, अब जहनों में ये खुद ब खुद फितरतन सवाल पैदा होता है कि अली इस दुनिया में जाहिर होने से पहले कैसे था। जो अली फरमा रहे हैं नसरतुल अंबिया सिरन कि मैंने तमाम अंबिया की मदद की आलम गैब में रहकर पोशीदा तौर पर, अब इसका जवाब मैं तो दूंगा, पता नहीं कितनी मजल से मुझे इसके जवाब में लाहौर में या कहीं और पढ़नी पड़ेगी, अब इतना वक्त नहीं है। अब मैं इसका जवाब पेश कर रहा हूं हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल्फसानी, उनकी मकतूबात हैं, अपने मकतूबात में मकतूब नंबर 123 में वो लिखते हैं, और एक राह वो है जो कुर्ब विलायत से ताल्लुक रखती है, और इस राह के वासिलीन के पेशवा हजरत मौला अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम है। तो जो फरमाई साहबाना आप बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद फिर वो मुजद्दद अल्सानी लिखते हैं कि ये अजीम मनसब जो विलायत का है ये उन से यानी हजरत अली से ताल्लुक रखता है। मैं ये समझता हूं कि हजरत अमीर अलैहिस्सलाम
अपनी जाहिरी पैदाइश से पहले इस मनसब पर फाइज थे। नहीं साहब नहीं, ये मैंने किसी शिया किताब का हवाला नहीं दिया है, आप सारे चुप कर गए हैं। यानी मुजद्दद अलफसानी फरमाते हैं कि हजरत अली इस दुनिया में आने से पहले विलायत के दर्जे पर फाइज थे। यानी वो फरमाते हैं मेरे, ये मैंने मक्तूब नंबर भी बता दिया है कि वो विलायत के दर्जे पर इस दुनिया में आने से पहले हजरत अली फाइज थे। तो जब वली थे तो फिर जिस जिस नबी की मदद की बहैसियत वली की। अब आ जाओ आयत पर, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतुनज़्ज़काता व हम राकेऊन। अब आ जाओ तफसीर कबीर पर, अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि पहला वली जो मुतलक है वो अल्लाह है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह की मशीयत के साए में। जो दूसरा वली है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और रकू में ज़कात देने वाला जो तीसरा वली है वो अली। जनाब ये हजरत अल्लामा साहब की आमद पर तो आवाज अली हक की ज्यादा होनी चाहिए थी, आपकी बिल्कुल ढीली पड़ गई। बिला भाई इजाजत है जनाबे आली, किबला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वो इबारत जो मदारिज नबुव्वा में है उसके चंद एक कलिमात में इनके ज़ौक़े समात के सपोर्ट कर रहा। तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब ने नादे अली को साबित किया है जंग ओहद में। अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि नादे अली पढ़ना बिदत है। चलो मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनों में से भी कोई नहीं कर सकता कि नादे अली ना पढ़ा जाए। ये अपनों के लिए तो साबित, अच्छा चलो ये अभी साबित कर देता हूँ, क्या करूँ मसाइब बहुत कम पढ़ लूंगा आज मैं, इसे यहीं जी मैं यहीं साबित कर रहा हूँ। ये देखिए किताब का नाम है 2000 दस्तूरुल अमल मुजर्रब, नाम फिर सुने, मेरी लाइब्रेरी में है, मैं किसी के हाथ देख के नहीं पढ़ रहा। किताब का नाम है 2000 दस्तूरुल अमल मुजर्रब आयतुल्लाह मरहूम शेख नखुदकी की यह किताब है। सफ़ा नंबर ये फारसी में है, सफ़ा नंबर 244 पर यानी 244 पर वो ये लिखते हैं कि अगर कोई शख्स तंगी रिस्क में मुब्तला है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो उस शख्स को चाहिए कि वो 3 दिन बराबर नमाज सुबह के बाद पहले ये पढ़े, नाद अली मजहर अल अजाइब तजिद हो आन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सैयद जली बे विलायत का या अलीयो या अलीयो या अली। 100 मरतबा नमाज सुबह के बाद ये पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा निदा दे या अबल गैस या अली अदरे कर। तो वो लिखते हैं मैं जमानत देता हूं कि अगर वो तारे को सलात नहीं है
तो उसकी ये सदा अली कभी रद्द नहीं करेगी। तो देखा आपने, बड़े बड़े 2000 अमल हैं इसके अंदर। जब कभी मुझे मौका मिला, मैं क्या करूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, बड़े टेलीफोन आते हैं कि भाई ये मसले का हल बताएं, ये बताएं, लेकिन मैं अपने मसाइल में हूं, मैं कैसे बता सकूं। तो यहां पर ये कहना कि नादे अलीयन नहीं पढ़ना चाहिए, भाई नादे अली वही पढ़ेगा जो अली की हयात तय्यबा का कायल होगा। जी हाँ, जी हाँ, वो नारा लगा ले फिर आप फरमा दीजिएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अली का मर्तबा क्या है? अली का मर्तबा क्या है? नबी जाने, खुदा जाने, हमारी अक्ल है महदूद, हम जाने तो क्या जाने, हमारे बाबा है कुछ मुझसे, तो बस नादे अली सुन लो। सुभान अल्लाह। अब आप सलवात पढ़ाएं, सिर्फ सलवात पढ़ाएं, टाइम नहीं है। सलाम अली 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 अली। तो अल्लामा के नजदीक नादे अली का ताल्लुक है जंग उहद के साथ, लेकिन शिया कुतुब के मुताबिक नादे अली साबित है जंग खैबर में। हमारे यहां जो साबित है तवातुर के साथ वो है जंग खैबर में। जंग खैबर में रसूल ने जो हदीस बयान फरमाई है, बाकी कुतुब के हवालों के साथ साथ किताब का नाम है तारीख खमीस जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 53। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अमा बिललाह लउतियन्नर रायता गदन रजुलन करारन गैरा फरार। तुसी चुप कर जाओ तो फिर मैं की करा। रसूल पाक फरमा रहे हैं लउतियन्नर रायता गदन रजुलन करारन गैरा فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه। ترجمہ آپ کو یاد ہے، جسے بلایا تھا وہ آ گیا۔ جب علی خیمے سے نکل کر رسول تک پہنچے تو رسول پاک نے جب علی کو علم بخشا تو یہ علمدار جب چلا تو چلنے کے بعد علی جب پہنچے قلعہ خیبر یعنی قلعہ کموز کے دروازے کے باہر بہت بڑا ایک پہاڑی چٹان تھی، اس کا ایک پتھر تھا، تو علی نے کیا کیا، اپنا علم اس پتھر میں گاڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اب فخر داؤد آیا ہے۔ ہائے ہائے، جس طرح جناب داؤد کے لیے لوہا موم تھا اور پتھر ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، مسخر تھے، ادھر علمدار نے علم گاڑا اور ادھر پتھر نے سینہ کشادہ کر کے کہا علی ہم کوئی تیرے نافرمان ہیں؟ آباد رہو۔ فیصل آباد میں ان کے نانا نے، حضرت ڈاکٹر سید امداد حسین شاہ صاحب نے مجھے گودی میں پالا ہوا ہے جب میں وہاں محرم پڑھتا تھا۔ تو خیر، اب میں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلا حوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243۔
फारसी में। दूसरा हवाला मार, मैंने कहा था ना मारज का हवाला दूंगा, मारज नबुवा जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 213 उर्दू में तर्जमा। यहीं पढ़कर क्योंकि घंटा हो गया है मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अली ने जब अपना अलम पत्थर पर गाड़ा, अभी गाड़ा ही था, यकी अब अहबार यहूद के बालाए हिसार बूद, उस कले की दीवार पर यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम बैठा हुआ था। जब उसने ये मंदिर देखा पुरसीद, तो उसे फौरन सवाल किया कि ई साहेब अलम तू किस थी व नामे तू चीज, ऐ अलम को गाड़ने वाले तू है कौन, तेरा नाम क्या है। अच्छा तारुफ तो करा कि तू है कौन और तेरा नाम क्या है। उसका इतना पूछना था कि हजरत अली गुफ्त, अली ने कहा क्या कहा, मनाम अली इब्न अबी तालिब, किसी घमंड में ना रहना। वाह, मैं फिक्रा दे गया, आप दांत में गुम कर गए, किसी गरूर में ना रहना, किसी गलत फहमी में ना रहना। मनम अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। अली का इतना कहना था। अब एक हवाला और भी दे रहा हूं क्योंकि किबला तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि कल आप इनसे कहें जी गुलफाम साहब पढ़ गए हैं ना, मैं हवाला दे रहा हूं। सबलुल हुदा वर रिशाद जिल्द नंबर 5, जैसे इसने पूछा अली ने जवाब दिया, मनम अली इब्न अबी तालिब, फकाल यहूदी, यहूदी दीवार से चीख चीख कर कहने लगा कि ओ यहूदियो, वल्लदी अंजलत तौराता अला मूसा, उस रब्बे अकबर की कसम जिसने मूसा पर तौरात को नाजिल किया था, गुलब तुम, अब तुम मगलूब हो गए। कि अब वो आ गया है जो गालिब अला कुल गालिब है, तो अल्लाह नासिर है, नसीर है, बिज़ात है, मुतलकन है, उसे किसी ने हक के नुसरत और कुव्वत नुसरत अता नहीं की, लेकिन मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह की अता करदा कुव्वत व नुसरत के तहत, कादर व कदीर की अता करदा कुव्वत के तहत, ये नासिर भी हैं, नसीर भी हैं। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्दिक व अखरिजनी मुखरजा सिद्दिक, कल मैं पढ़ चुका हूं, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। करबला के मैदान में इस्लाम की मदद के लिए जब गरीब करबला ने चुन चुन कर कुर्बानियां पेश करनी शुरू की, तो एक मंजिल ऐसी भी आई कि जिस जवान को हुसैन ने दुआएं मांग के लिया था, बिल्कुल इख्तसार के साथ कि या अल्लाह मुझे एक ऐसा फर्जंद, एक ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे नाने की शबीह हो, जो मेरे नाने की तस्वीर हो। जब अकबर ने बाबा के कदमों पर नजर रखते हुए अर्ज किया, बाबा जान अब मुझे भी इज़्न जिहाद अता फरमाओ, हुसैन वारिस शरीयत है, बालिग बेटा है, शरी तौर पर जिहाद से रोक नहीं सकते, इमाम ने रोका नहीं, हलबत्ता इतना कहा अकबर बेशक मैदान में जाओ बाबा, सीधा जाओ ना मेरा लाल, पहले उस माँ के खेमे में जाओ जो 18 साल से तुम्हें दूल्हे बनाने के ख्वाब देख रही है। मरहबा मरहबा अज्र को मिलल्ला। आगे आगे अकबर चले, पीछे पीछे जहरा का लाल चला। जब अकबर खैमागाह में माँ के खेमे के दरवाजे पर पहुंचे, क्या देखा कि बीबी उम्मे लैला
जमीन पर बैठकर उंगली के साथ लकीरें खींच रही है और उसकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। अकबर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अम्मा चंद मिनटों के मेहमान बेटे का। आखिरी सलाम, अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों जो पर्दे में बैठी हो, क्या कोई माँ जवान बेटे का ये सलाम सुन सकती है कि चंद मिनटों के मेहमान बेटे का आखिरी सलाम। इधर सलाम किया, उधर बीबी उम्मे लैला तड़प कर उठी। अकबर, इजाजत मिल गई? हाँ माँ, इजाजत मिली है, लेकिन बाबा ने कहा है कि जाओ पहले उस माँ को आखिरी सलाम करो जो तुम्हें दूल्हा बनाने के ख्वाब देखती रही है। बीबी रो कर कहती है, अकबर फिर दरवाजे पे खड़ा ना हो, आ अंदर चला। अकबर अंदर आया, बीबी उम्मे लैला रोते हुए एक एक मस्तूर के खेमे में गई, जाकर कहा, बीबियो मैं अकबर को मौत का दूल्हा बना रही हूं, जिसने मुझे मुबारक देनी हो मेरे खेमे में आ जाए। सारी बीबियों ने अकबर को हाले में लिया, हर बीबी रोकर मातम कर रही है, मगर हुसैन की क्या हालत है? इमामे के दस्तार के पेच खुले हुए, गले में दस्तार पड़ी हुई है, खेमे के दरवाजे पे हाथ डालकर फस्सा हल हुसैन हो, सब अमरनाथ, जहरा का लाल सात मरतबा धाड़े मार के रोया। मरहबा मरहबा मरहबा, खुदा किसी बाप को जवान बेटे की मौत न दी। ये हुसैन का कलेजा था जो बर्दाश्त कर गया। सात मरतबा जहरा का लाल धाड़े मार कर रोया। अंदर से सैयदा जैनब ने आवाज देकर कहा, हुसैन जवान बेटे का गम में तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अकेला न रो, खैमे में चला आ, बेटा तेरा है, पाला मैंने है। दोनों बहन भाई मिलके रोते हैं। हुसैन अंदर गए, बीबियों ने हाला तोड़ा, गरीब आगे बढ़ा, बीबी उम्मे लैला ने हाथ बांधे, हाथ बांध कर कहा, जहरा का लाल इसे मौत का दूल्हा मैंने बनाया है, अब इसे दस्तार तू बधा दे। जब कहा ना दस्तार आप बधा दे, इमाम ने दस्तार संभाली, दस्तार संभाल कर अकबर के सर पर दस्तार बांधनी शुरू की, एक पल्ला छोड़ दिया हर पेट पर। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरी दस्तार की पेट पर इमाम ने पल्ला छोड़कर नीचे वाला पल्ला संभाला, संभाल कर अकबर की तातुल हनक बांधनी शुरू की। अभी तातुल हनक बांध ही रहे थे कि जनाबे जैनब का हाथ हुसैन के हाथ पर आया, तड़प कर कह दिया, जहरा का लाल जीते जी मेरे अकबर को कफन पहना रहे। हौसला हौसला हौसला, हुसैन तड़प कर कहते हैं, बीबियों जिस जिसने मेरे अकबर को देखना हो देख लो, इसने जाके वापस नहीं आना। अकबर चले, सबको आखिरी सलाम किया, सलाम करके खैमेगा से निकलकर घोड़े पर बैठकर थोड़े से फासले पर गए थे। अभी गए थे या यकायक खैमे का पर्दा उठा, जनाब फिजा ने आवाज देकर कहा, अकबर तुझे अपनी जवानी का वास्ता, रुक जा। अकबर ने घोड़ा रोका, मुड़कर देखा, तड़प कर कहा, दादी फिजा खैर तो है, मुझे क्यों रोक रही हो? कहा, अकबर मैं बताती नहीं, खैमे का पर्दा उठाती हूं, अपनी आंखों से देख। और भाइयों वालों मेरी दुआ है, अल्लाह करे तुम्हारे भाई सलामत रहे,
अब जो बीबी फिजा ने पर्दा उठाया, अकबर ने देखा सैयद सज्जाद है, असा का सहारा है, कमर झुकी हुई है, रो रो के कह रहे हैं अकबर जल्दी न कर, मुझे भी गले लगा दा। मुझे मालूम है तूने जाके वापस नहीं आया, नहीं आना। अकबर उतरे, दोनों भाई गले मिले, सज्जाद पे गश आई, हुसैन आगे बढ़े, बेटे को अलग करके सज्जाद को भेजा, कहा अकबर जाओ। राह अकबर में निसार किया, अब अकबर की सवारी चली। जैसे अकबर की सवारी चली, जहरा का लाल बतूल का बेटा अकबर की सवारी के पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर अकबर की सवारी गई थी, गरीब जहरा आवाज देके कहते हो मेरा लाल, मेरा अकबर, अकबर मेरी आंखों का नूर गुम हो रहा है, अकबर मेरा दिल सफर नहीं रहा, अकबर मेरी दुनिया अंधेर हो रही है, अब मेरा लाल तेरे बगैर कैसे जीऊंगा। अकबर जरा रुक जा। अकबर रुके, जीन से नीचे उतरे, बाबा के कदमों पे हाथ रखा, हुसैन ने सीने से लगाया, बाबा मैदान में ना जाऊं, अकबर जरूर जा, जा खुदा के हवाले। फिर चले, हुसैन ने फिर रोका, तीन मर्तबा जहरा के लाल ने रोका है। जब चौथी मर्तबा अकबर जाने लगा ना, इधर अकबर की सवारी चली, उधर हुसैन पीछे चले। अकबर ने जरा घोड़ा तेज किया, हुसैन ने अपने कदम तेज उठाए। मुझे अकबर की जवानी की कसम है, मैंने किताबों में पढ़ा है, जरा घोड़ा तेज दौड़ा, हुसैन ने कमर से हाथ उठाकर घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। रो लो जरा तसल्ली से, इतने आगे दे सकते, ये रोने की रातें हैं, ये मसाइब की रातें हैं, ये बतूल को पुरसा देने की रातें हैं। जी सैयद मैं दुआ मांगता हूँ, जी मैं दुआ मांगता हूँ, खुदा किसी बाप को जवान बेटे की मौत ना दिखाए। जवान बेटे की मौत बाप से बर्दाश्त नहीं होती, जवान भाई की मौत बहनों से बर्दाश्त नहीं होती। जैसे हुसैन घोड़े के पीछे दौड़े, फिजा ने आवाज देकर कहा अकबर कहीं ऐसा ना हो हुसैन मरने से पहले मर जाए, जरा फिर रुक जा। अकबर रुके, नीचे उतरे, कदमों का बोसा लिया, बाबा मैदान में ना जाऊं, अकबर जरूर जा, बाबा आपकी जो ये हालत है फिर मैदान में कैसे जाऊं। हुसैन रोकर फरमाते अकबर एक काम कर, फिर चला जा। बाबा क्या काम करूं? बेटा जीन पर बैठ कर ना अपना मुंह रख मेरी तरह, बस इससे ज्यादा मैं नहीं पा सकता। फरमाते अकबर जीन पर बैठ कर ना अपना रुख, अपना मुंह रख मेरी तरफ, घोड़े का मुंह रख फौज की तरफ, जब तक फौजों में गुम नहीं हो जाता मुझे अपना चेहरा देख लेने दे। औलाद वालों, जो हुसैन अकबर को रुख फेर कर जाना जिसका बर्दाश्त न कर सका, अल्लाह जाने जब अकबर के सीने में नेज़े की अली लगी, चारों तरफ से अकबर पर तलवारें बरसी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने गुर्द मारा, अकबर नेज़ा खा के जब जीन से जमीन पर गिरा, इधर निदा दी, उधर हुसैन आवाज देकर कहते अकबर मेरी आंखों का नूर गुम हो गया। इधर हुसैन चले, उधर बीबियां दरवाजे पर गिरी, जहरा का लाल अकबर की तरफ चला है,
आप ये सुनकर रिवायत हैरान होंगे, लेकिन मौलाना तस्दीक करेंगे, मेरे पास किताबों के सबूत मौजूद हैं। हर शहीद की लाश पर हुसैन जल्दी गया है। फिर सुनो, हर शहीद के गिरने पर हुसैन बहुत जल्दी पहुंचे हैं। वाहिद अकबर है जिसके लाश पर जाते हुए कभी दाएं गिरे कभी बाएं। मामूली बात नहीं है रोने वालों, हुसैन के अकबर का चला जाना, ये रखो मेरे सर पे कुरान। हुसैन 70 मर्तबा जमीन पर गिरा है, रो रो के कहते रहे अकबर मुझे नजर नहीं आ रहा, अकबर बाबा को आवाज दे, अब मेरा लाल मेरी दुनिया अंधेर हो गई। बाहर हा हुसैन चलते हुए अकबर के लाशे पर पहुंचे, तारीख में सैयदा का पहले आना मौजूद है। हुसैन पहुंचे, तलबते अकबर को संभाला, लेकिन किस अंदाज में पहुंचे, पांव से चलकर सीधे चलकर नहीं, दूर से अकबर को देखा कि सीने पे हाथ रखकर अकबर जमीन पर एड़ियां मार रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। जब अकबर को इस आलम में देखा, अब हुसैन खड़ा नहीं रह सका, ज़हरा का लाल जमीन पर गिरा। किताब का नाम रियाजुल कुद्स। हुसैन अकबर तक कैसे पहुंचे, यूं कोहनियों और घुटनों के बल चलकर हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे। बस मैं आगे नहीं पढ़ता, लाशा किस तरह संभाला ये फिर कभी सुनाऊंगा। खैमा दामे लाशा ले आए, तमाम बीबियों ने हाला बांधा, हर तरफ से मातम शुरू हुआ। हुसैन आवाज देकर कहते हैं, बहन जैनब उम्मे लैला कहाँ है, उसे भी बुलाओ। बीबी लैला भी आ गई, बीबी कुबरा भी आ गई, सारी बीबियां आ गई, हर बीबी ने बैन करने शुरू किए। जब हर बीबी धाड़े मार कर रोई, अकबर ने आंखें खोली। अब हजरत अल्लामा अदीब जफर हसन अमरोही मरहूम ने यह रिवायत लिखी है कि जब अकबर ने आंखें खोली तो प्यासे लबीले जिन पर खून जमा हुआ था, हुसैन झुके। अकबर क्या कहता है, कहा बाबा जान वो देखो, मेरी फूफी जैनब रो रही है, कुलसुम रो रही है, रुकैया रो रही है। कहा बेटा तेरा गम बर्दाश्त नहीं होता। कहा बाबा बहन कुबरा भी रो रही है, बहन सकीना भी रो रही है। कहा बेटा तेरा गम भी ऐसे। कहा बाबा अगर हो सके तो बाए जादे इमामत मुझे एक बार सुगरा दिखा दो, मैं देखूं मेरी बहन किस हालत में है। और बहन वालों, इमाम ने उंगलियां उठाई, कहा अकबर मेरी उंगलियों में देख। अब जो देखा, अकबर की धार निकल गई। कहा अकबर क्या देखा है, कहा बाबा मेरा नक्शे कदम है सुगरा का मुंह है, करबला की दम रुख है। और रो रो के कह रही है, अकबर तेरे वादे वाला दिन